नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के सहरसा के सौर बाजार प्रखंड की ग्राउंड रिपोर्ट। बंटी झा चेयरमैन के भावी उम्मीदवार, मुख्य पार्षद से खास बातचीत। सहरसा संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। आइए, आज हम लोग जुड़ते हैं सौर बाजार प्रखंड के सौर सिलेट नगर पंचायत से, जहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज सिलेट गाँव से मुख्य पार्षद के रूप में उपस्थित उम्मीदवार चंद्रमा देवी के यहाँ, और अभी हम जुड़ रहे हैं उनके पुत्र राकेश कुमार बंटी, जो कि एक समाज सेवी हैं और जिनका एक समाज में बहुत अच्छा पकड़ है, और यहां से वो मुख्य पार्षद के रूप में अपनी मां को खड़ा किए हैं। आइए हम लोग जानते हैं जो क्या इनकी जो है सो यहां पे मोटो है और क्या इनका जो है सो मुख्य उद्देश्य है, जो इस पंचायत के लिए, नगर पंचायत के लिए क्या क्या विकास कार्य कर सकते हैं, इसके लिए हम आपसे जुड़ते हैं जो है सो राकेश कुमार बंटी जी से। जी, अपना परिचय सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें। मेरा नाम राकेश कुमार बंटी है, मैं सौर बाजार नगर पंचायत से हूँ। रोड और नाला का स्थिति बहुत दयनीय है और शिक्षा का भी बहुत चौपट स्थिति है, जिसपे कि कार्य करना बहुत जरूरी है। इस पर आपको क्या कहना है? यदि सौर बाजार नगर पंचायत की जनता मेरे साथ मुझे आशीर्वाद और विश्वास के साथ मुख्य पार्षद पद हेतु चुनती है, तो मेरा प्रमुख समाज में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के अंतिम व्यक्तियों को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, उस पर मेरा जोर रहेगा। जी, मेरा ग्राउंड रिपोर्ट में आपका जिक्र आता है, कुछ स्थान जो कहिए आपका भी बनता है। इस विषय में हम भी बहुत स्तर से जांच किए, जिसमें आप हमको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं, और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सौर बाजार नगर पंचायत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इलेक्शन के समय में यहाँ ढेर सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। जी, इलेक्शन के बाद सबका अपना अपना बिजनेस है, सबका अपना अपना व्यवसाय है, सब उसमें लग जाते हैं। जहाँ तक सौर बाजार नगर पंचायत का बात है, पिछले 15 साल से समाज के हर व्यक्ति, चाहे के दुख में सुख में, मैंने खड़ा होने का काम किया है, और हर व्यक्ति को मुझसे बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए जितना बन पड़ा है मैंने किया है, और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ जनता के बीच में हूँ।